दिल्ली में मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए अब एक और नई मुसीबत आ गई है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के चार दिग्गज नेता मुस्लिम चेहरे अब पार्टी से नाराज हैं। दिल्ली गेट के एक होटल में मीडिया के सामने आकर ये नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन चार नेताओं में आसिफ मोहम्मद खान, शोएब इकबाल, मतीन अहमद और हसन अहमद शामिल हैं। आपको बता दें कि शोएब इकबाल और मतीन अहमद 5 बार दिल्ली से लगातार विधायक रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम पर लिखी चिट्ठी में चारों नेताओं ने दिल्ली के किसी भी एक लोकसभा सीट से किसी एक मुस्लिम चेहरे को टिकट देने की मांग की है। आइए सुनाते हैं आपको कि इन चारों पूर्व विधायकों का क्या कहना है। सर, आज आपने बोले हम तो हमें सुन करते आ गए, हम और करते हैं बातें कि मैंने चेहरे को जब टिकट दिलवा दूंगा, आप दिलवा उसको खबर को खुद। देखिए, यहां जो मोदी जी साहब को दिलवा दीजिए, हम तो आपको चार पांच बार एमएलए रहे हैं और मुस्लिम एरिया को हम लोगों ने असेंबली में रिप्रेजेंट किया है। हम लोगों की यहाँ एक मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि 7 सीटों में हाँ कोई एक सीट जो है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक, इनमें कहीं ना कहीं एक मुस्लिम पार्टी को, मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी को उतारना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी हम इसलिए बना रहे हैं कि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने होगा, और सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। सिर्फ हम कांग्रेस के एक बहुत लॉयल सब एक वर्कर हैं, सिपे सालार हैं, मुकामी लीडर हैं, और सभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी का जो फीलिंग है, उस वो फीलिंग जो है कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल जी, उन तक पहुँचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ना इसमें बगावत है, ना इसमें कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कहीं से हमारे कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को हम लॉन्ग टर्म में फायदा इस बात का पहुंचेगा अगर कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने जो सोचा है और जो मुस्लिम कम्युनिटी की फीलिंग है उस पर अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेती है, तो उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर फायदा पहुँचेगा। सर, जिस तरह से आप मीटिंग लगातार कर रहे हैं और एक मांग कर रहे हैं कि एक अखिलेश जो का चेहरा जो है जनप्रतिनिधि के रूप में आना चाहिए, तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है, दिल्ली में 15-20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वोटर है, तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, एक टिकट मिलना चाहिए। उसके लिए हम चारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए, पार्टी से डिमांड कर रहे हैं, राहुल जी को पत्र भी लिख रहे हैं कि एक पार्लियामेंट की सीट अखिलेश के लोगों को, मुसलमानों को मिलनी चाहिए। ये जो आप लेटर है वो किसको देके देने जाएंगे? किसको? राहुल जी के लिए लेटर लिखा है, शीला जी को भी देंगे, पीसी चाको जो हमारे दिल्ली के इंचार्ज है उनको भी देंगे। तो अपनी बात से आप अवगत करा रहे हैं कि ये एक सीट जो है वो अखिलेश को जरूर? हम जनता की भावनाओं से अवगत करा रहे हैं, हमारी क्या भावना है, तो जो पब्लिक की भावना है वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अभिषेक माथुर के साथ संजय शर्मा की रिपोर्ट। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली से जुड़े पल पल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी दिल्ली।